नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग द्वारा चलाया जाता है। मैं हूं रफीक। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। दोस्तों, जिस तरह किसी स्मार्टफोन में नेटवर्क जितना स्ट्रांग होता है, बातचीत उतनी ही अच्छी तरह होती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी काम करता है। यह जितना मजबूत बना होगा, हम उतने अधिक स्वास्थ्य एवं फिट बने रहेंगे। इम्यूनिटी शरीर की हानिकारक पदार्थों से लड़ने की क्षमता होती है। दोस्तों, कोरोना के इस दौर में यह शब्द देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा आसानी से आ रहे हैं। उन्हें जान का भी खतरा है, और ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, इम्यूनिटी कुछ दिन या हफ्ते में नहीं बढ़ती। इसके लिए आपको रोजाना की लाइफस्टाइल और खानपान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। बच्चों, बुजुर्गों और डायबिटीज, हार्ट डिजीज के मरीजों का इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर होता है। आइए दोस्तों, हम अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं कि वो इम्यून सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं और वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। मेरा नाम साउद्दीन है, मैं नई दिशा से हूँ और मैं किशनगढ़ में रहता हूँ। इस लॉकडाउन के कारण मैं अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखता हूँ। इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए मैं रोज सुबह गर्म दूध के साथ हल्दी को पीता हूँ, फिर कुछ फल खाता हूँ जैसे पोमोग्रेनेट, गूसबेरी। इन चीजों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसलिए मैं ये सब खाता हूँ। अदरक को हम गर्म पानी में या चाय के साथ मिलाकर पी सकते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। इन सब चीजों से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, और मैं तो इन सब का सेवन करता हूँ, और आप लोग भी करें। मेरा नाम सपना है, मैं किशनगढ़ में रहती हूँ। इम्यूनिटी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। शरीर को बाहरी संक्रमण और बीमारी से बचाकर रखने के लिए शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है, जिसे इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, तो ये ना हमें सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है, बल्कि लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इन बाहरी संक्रमणों से बेहतर तरीके से मुकाबला करते हैं। एक मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के लिए धूम्रपान ना करें, रोजाना व्यायाम करें, गहरी नींद लें, फल और सब्जियों का सेवन करें, स्ट्रेस ना लें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधा शर्मा एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नई दिशा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा क्लासेस मैंने ज्वाइन कर रखी है, योगा करती हूँ। फिर अपनी डेली डाइट में जो जो चीजें मेरे को शामिल करनी है, कि सुबह क्या खाना है, शाम का डिनर, पूरा चीज उसको करके उसी के हिसाब से मैं खाती हूँ खाना, जिससे कि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू पासवान है और मैं हाथी पार्क कॉन्टेक्ट में पढ़ता हूँ। सबसे पहले हमें रोज योगा करना चाहिए। अभी तो पार्क बंद है, इसलिए बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें घर पे अपने छत पे जॉगिंग और योगा करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम खेलने में भी सही होते हैं उसके। और हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें रोज अच्छे अच्छे खाना, हेल्दी फूड्स, सब्जियां और फल और बहुत सारे सब्जियां, अच्छे अच्छे हरी सब्जियां सब खाना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से सब सही हो। तो अभी तो हम बाजार का जंक फूड खा नहीं सकते, और अच्छा है कि हम जंक फूड ना खाए कभी। और हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि अंडा, दाल, पनीर, दही, राजमा, ऐसे प्रोटीन चीज़ें खाना चाहिए। और हमें साथ ही साथ अदरक और लहसुन भी खाना चाहिए, क्योंकि इनमें और हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में सहायता करते हैं अदरक और लहसुन ये सब। मैं रोज सुबह उठ के छत पे 6 बजे आता हूँ और छत पे जॉगिंग करता हूँ, योगा करता हूँ,
जैसे कि कुछ योगा के स्टेप्स सब होते हैं वो सब करता हूँ, और सुबह सुबह बाहर भी चला जाता हूँ थोड़ा सा घूमने, उसमें मेरी शरीर थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। जब घर पे मैं बोर्ड बैठा रहता हूँ तो कुछ राइटिंग वगैरह स्कूल का कर लेता हूँ काम, उससे मेरा मन हमेशा लगा रहता है इन चीजों में। नमस्कार, मैं चांदनी चौक बटरफ्लाई कॉन्टेक्ट पॉइंट पर पढ़ता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद उजेर खान है। आप सबको पता ही कोरोना वायरस का दौर चल रहा है तो हम सब घर में ही कह रहे हैं, स्कूल हम सही नहीं जा पा रहे ना, घर से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे अपने टीचर से भी सुना, मैंने क्लास हो रही है हमारी जूम मीटिंग पर उस पर भी सुना मैंने टीचर से और पेरेंट्स से, बाकी मैं यूट्यूब वगैरह पर सब पर देखता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम पर ज्यादा गौर दिया जा रहा है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में क्या करता हूँ। मैं जितनी बार भी होता है दिन भर में गर्म पानी का सेवन करता हूँ। मेरी मम्मी मुझे हर बार ये बोलती है कि गर्म पानी पियो। मैं सुबह दोपहर शाम हर वक्त में गर्म पानी का सेवन करता हूँ। इससे क्या होता है कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में बीमारी हमारे ऊपर ज्यादा असर करती है, तो इसलिए मैं गर्म पानी का सेवन अत्यधिक करता हूँ पूरे दिन में। दूसरा मैं क्या करता हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालता हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि अपने लिए भी टाइम निकाल, दिन भर में योगा करा कर, प्राणायाम करा कर। मैं सुबह उठकर थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, मैं सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक मैं योगा वगैरह करता हूँ, योगासन करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, और मेरे घर के सदस्य भी करते हैं, मेरी दीदी करती है, मेरी मम्मी भी करती है। आप सब भी योगा करें तो योगा भी एक अच्छा उपाय है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि इन दिनों पता है हम जो भी खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना तो हमारा सारा बंद ही है, तो हमें खाने में जो होता है हल्दी का सेवन ज्यादा करती है मेरी मम्मी, हल्दी डालती है खाने में, जीरा धनिया लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इस टाइम क्या है, हम तेल की चीजें कम खा रहे हैं, तेल हो गया, बटर हो गया, इन सब चीजों से हम परहेज करें। ऑयली खाने से हम, हो सकता है हम हरी सब्जियां ज्यादा खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, कभी पराठे बना लेती मम्मी, कभी पत्तेदार सब्जियां बना लेती है, तो इन सब चीजों का सेवन हम ज्यादा कर रहे हैं और इससे हमें बहुत फायदा भी हो रहा है। और दिन में क्या करते हैं हम, एक बार हर्बल चाय जैसे अदरक वाली चाय भी हम पी लेते हैं। जब हमारे घर में चाय बनती तो हम अत्यधिक मसालों वाली चाय का सेवन करें, तुलसी डाल दी चाय के अंदर, तुलसी की पत्तियां डाल दी, काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दी, इलायची डाल दी, इससे क्या होता है चाय का स्वाद बढ़ जाता है, और क्या बोलते हैं स्वाद बढ़ने के साथ साथ इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाता है, ये हमारे लिए बहुत फायदा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये करें। हम तो दिन में सुबह पीते हैं, एक बार रात को सोने से पहले पीते हैं, बाकी तो हम सब यही सब चीजें करते हैं। इससे क्या होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, इन जो मैंने आपको कारण बताया उपरोक्त, इन सब कारणों से हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लेते हैं। आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा, मैं चल चलूं जहां तू कहे, रास्तों पे तेरा ही बन के हम राही, चल चलूं जहां तू कहे। आसमां पे जिंदा मैं एक परिंदा, मैं चल चलूं जहां तू कहे, छोटे से बहाने पे एक बुलावे पे, चल चलूं जहां तू कहे, साथ में जो बहे किनारे मिलेंगे कभी, साथ में सिलसिले बढ़ा ले अगर तो क्या हो, सोचेंगे सफर में ही हम, नाम की है मंजिल, हो ना हो ये हासिल, देखेंगे सफर में ही हम, तो भला क्या गिला कि तू देर से क्यों मिला, राह पर हम सफर जो बन के चले तो क्या हो, हम भी तू चले तो
कार्यक्रम बच्चों की नजर से जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। दोस्तों इम्यूनिटी के कमजोर होने की बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ है अनहेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, शराब पीना या धूम्रपान करना, पर्याप्त नींद ना लेना, वजन का बढ़ना, फूड हैबिट्स सही नहीं होने पर इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी के चलते आयुष मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है जो कि इस वक्त लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मददगार है। खासतौर पर इस समय लोगों के बीच कोरोना वायरस का डर बहुत अधिक बना हुआ है, इसके चलते लोग सेहत संबंधी तरह तरह की अफवाहों का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली टिप्स के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने कुछ आयुर्वेदिक विधियां सुझाई है ताकि कोई भी गलतफहमी का शिकार ना हो। आइए दोस्तों जानते हैं इन सुझावों को जो कि दैनिक जीवन में शामिल करके हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। पूरे दिन में जब भी पानी पिए तो गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान का दिन में कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हमेशा सकारात्मक बने रहें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। धूप लें, ये टी सेल्स के निर्माण में सहायता करता है। लंच में विटामिन सी वाले फल, मौसमी, नींबू, संतरा, आमला जरूर खाएं। डिनर में ड्राई फ्रूट जरूर खाएं। प्रोटीन डाइट बढ़ाएं। खाने में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन को शामिल करें। ज्यादा तेल मसाले से पूरी तरह दूरी रखें। पालक, ब्रोकोली, शिमला मिर्च खाएं। चना और अंकुरित दालें खाएं। दूध, दही, पनीर या उबला अंडा खाएं। अदरक, तुलसी की चाय पिए। दिन में 2 बार काढ़ा पिए। काढ़े में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सेट और मुनक्का इस्तेमाल करें। गुड़ और नींबू का रस मिला सकते हैं। हल्दी मिला गोल्डन दूध पिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।